दोस्तों जियो के आने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपने नंबर्स जियो में पोर्ट करवा दिए, दूसरी कंपनियां भी इसके आगे थोड़ा डाउन पड़ गई हैं, पर काफ़ी सारे लोग एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये सब नेटवर्क छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपना नंबर तो सेव करना चाहते हैं, पर क्या करें, हर किसी में वो डबल रिचार्ज तो नहीं कर सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए एयरटेल ने एक 23 रुपीज़ का रिचार्ज निकाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप जोदानी और आप देख रहे हैं सोशल लाइव 11। एयरटेल ने हाल ही में एक 23 रुपीज़ का रिचार्ज निकाला है जिसमें आपको कोई वॉइस कॉल, कोई भी डेटा नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आप इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर 3-4 महीने तक आपने नंबर यूज़ नहीं किया तो आपका नंबर बंद हो सकता है। और हमारे पास नंबर तो काफ़ी सारी जगहों पे, बैंक अकाउंट, हमारे बिजनेस में रिलेटेड सब जगह पे दिया हुआ रहता है, तो हम लोग वो नंबर तो बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब कंपनियां एक छोटा रिचार्ज निकालने जा रही हैं, कोई 35 वाला रिचार्ज निकाल रहा है, कोई 23 वाला रिचार्ज निकाल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एयरटेल ने एक नया रिचार्ज निकाला है, 23 रुपीज़ का रिचार्ज है। इसमें आपको वॉइस कॉलिंग नहीं मिलेगी, डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी मिलेगी। एयरटेल ने 23 रुपीज़ का प्रीपेड रिचार्ज लॉन्च किया है। इस रिचार्ज की मदद से एयरटेल यूजर्स अपने प्रीपेड नंबर्स की वैलिडिटी 28 डेज तक कर सकते हैं। ये रिचार्ज आपको एयरटेल की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। 23 रुपीज़ के रिचार्ज पैक में आपको एयरटेल 2.5 पैसे प्रति सेकंड की लोकल और एसटीडी वॉइस कॉल दे रहा है। फ्री नहीं है, आपको ये सब अपने लिए रिचार्ज करना पड़ेगा। SMS के लिए 1 रुपया होगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस रिचार्ज पैक में कोई डेटा नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको डेटा के लिए अलग से पैक चुनना पड़ेगा, और इसमें कोई टॉक टाइम भी नहीं मिलता है। आप चाहें तो नए 23 रुपीज़ वाले रिचार्ज को आप सीधे माई एयरटेल ऐप्स के ज़रिए चुन सकते हैं। जो सबसे सस्ता रिचार्ज था वो 25 रुपीज़ वाला था, अब सबसे सस्ता रिचार्ज यही माना जा रहा है 23 रुपीज़ का रिचार्ज। दोस्तों इस पैक में आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी मिलती है, इसमें ना आपको कोई डेटा मिलता है, ना आपको कोई टॉक टाइम मिलता है, ना आपको कोई टॉपअप मिलता है, आपको सीधे सीधे सब चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। टॉक टाइम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, डेटा पैक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ये वैलिडिटी के लिए। अगर आपका नंबर आउटगोइंग के लिए नहीं सिर्फ इनकमिंग के लिए यूज़ होता है तो 23 रुपीज़ वाला आपके लिए बेस्ट है। एयरटेल के पास और भी सारे रिचार्ज है। 23 रुपीज़ के बाद 35 रुपीज़ वाला रिचार्ज, जिसमें आपको 26 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलता है, उसमें डेटा नहीं मिलती, वॉइस कॉलिंग सिर्फ 26 रुपीज़ की मिलेगी, उसके बाद आप उसमें टॉपअप करवा सकते हैं। अगर आपको अपना नंबर चालू रखना है तो आपके लिए 23 रुपीज़ वाला रिचार्ज बेस्ट है। हर महीने ये 23 रुपीज़ वाला रिचार्ज मिनिमम रिचार्ज है, 23 रुपीज़ का रिचार्ज है, आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। इसी को देखते हुए और भी कंपनियां आगे आएंगी, बाकी सारी कंपनियां भी अपने अपने छोटे रिचार्ज निकालेंगी, क्योंकि हर कोई 3-3 महीने का रिचार्ज नहीं करवाता, कभी कभी कोई एक नंबर एक्स्ट्रा रखता है जिसमें खाली इनकमिंग के लिए वो यूज़ होता है, क्योंकि उनके वो पुराने नंबर हैं। काफ़ी सारे लोगों ने जियो के नए नंबर ले लिए हैं, पर जो पुराने नंबर है उनके बिज़नेस में काम आते हैं तो नंबर वो चालू रखते हैं, वो नंबर वो सिर्फ इनकमिंग के लिए यूज़ करते हैं और आउटगोइंग के लिए जियो यूज़ करते हैं, क्योंकि जियो सस्ता पड़ता है, डेटा फ्री मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें भी वो अच्छी अच्छी दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज सोशल लाइव 11 को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल सोशल लाइव 11 को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।